हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे बात कर पहले बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में, जिसके इख्तलाफात और तजादात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मेरे अखलास में किसी को शक नहीं की इजाजत। हो रहा हूं मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदरूनी इख्तलाफात और तजादात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। पांच दिन हो गए हैं, रोजाना रात को तवक्को की जाती है कि अब शायद बात बन जाए, लेकिन जब सुबह पूरी कौम उठती है तो पता चलता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात तो मजीद ज्यादा बिगड़ गई है। कल रात राबता कमेटी ने ऐलान किया था कि वो PIB जाके फारूक सत्तार साहब को मना लेगी और उनकी मान भी लेगी, जिसके बाद रात गए राबता कमेटी PIB पहुंची, लेकिन फारूक सत्तार साहब उनसे नहीं मिले और वो सो गए। और कहना उनका यह था कि पिछले चार दिन के मुसलसल स्ट्रेस से वो थक चुके हैं, फ्रेश होकर जब वो आए तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राबता कमेटी उनका इंतजार करते करते थक गई थी और वापस चली गई। आज सवेरे ताजा दम होकर नए कपड़े पहन के फारूक सत्तार साहब ने एक बार फिर ऐलान किया कि वो बहादुराबाद जाएंगे, लेकिन उसके बाद राबता कमेटी का अचानक ऐलान सामने आ गया। बल्कि ऐलान सामने क्या आया, राबता कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया और खत बड़ा खतरनाक लिखा, जिसमें एक तरह से फारूक सत्तार को फैसला साजी से माइनस कर दिया गया। पार्टी आइन के आर्टिकल 19 के तहत राबता कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख के अपने चार हतमी उम्मीदवार बराए सेनेट, जिनमें नसीम जलील साहिबा, फरोख नसीम साहब, अमीनुल हक साहब और आमिर चिश्ती साहब हैं, उनके नाम दे दिए और कहा कि MQM के पार्टी के आर्टिकल 19 के तहत ये इख्तियार सिर्फ सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी को हासिल है कि वो किसी भी असेंबली के लिए, किसी भी ऐवान के लिए हतमी नामों का, हतमी टिकटों का ऐलान कर सके, और अगर कोई और इन टिकटों का ऐलान करता है तो अपने दायरा इख्तियार से तजावुज करता है और उसकी नीयत में भी फतूर है। ये बहुत बड़ी बातें हैं जो राबता कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख के कर दी। उसके बाद फारूक सत्तार साहब ने अपना अलग से इजलास बुलाया और इस वक्त तक की सिचुएशन यह है कि कुछ मालूम नहीं है, डेडलॉक का डेडलॉक बरकरार है। तवक्को सबको है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोनों धड़ों को भी है, कारकुनान को भी है, वोटर्स को भी है, पूरी कौम को है कि किसी भी वक्त इनकी आपस में बन सकती है, लेकिन बनने के बजाय अब तक मुसलसल ठन रही है। आज फारूक सत्तार साहब ने क्या कहा, जब वो खूब तैयार शैयार होके बहादुराबाद जाने के लिए बिल्कुल उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा था, जरा सुनिएगा। मेरी नीयत में कोई फतूर नहीं है और मेरे अखलास में किसी को शक करने की इजाजत नहीं है, चुनाचे मैं भी किसी की नीयत और खुलूस में शक नहीं करता। मेरी जिम्मेदारियां मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा है, तो फिर सवाल यही है कि फिर सरबरा के इख्तियारात भी ज्यादा और सेवा होने चाहिए। आइंदा क्या ऐसा लाहे अमल तैयार किया जाए कि इस तरह की सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो, और इख्तलाफ कितना ही शदीद हो वो इख्तलाफ पब्लिक में, मीडिया में नहीं आना चाहिए। उससे जग हसाई के अलावा कुछ नहीं होता, उससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता, बदएतमादी के अलावा कुछ नहीं होता। फारूक सत्तार साहब इख्तियार मांग रहे थे और राबता कमेटी ने पार्टी आइन का वार कर डाला। जब राबता कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा सेनेट के हतमी उम्मीदवारों के लिए और फारूक सत्तार के इख्तियारात को माइनस कर दिया, उससे पहले फैसल सब्जवारी साहब ने बात करते हुए मीडिया से क्या कहा था, टेक अ लिसन। ताली एक हाथ से बजाई नहीं जा सकती, कामरान टसोरी साहब की इतनी अहमियत समझने से कासिर है अब तक। खुदा ना खास वो इलेक्शन ना लड़ पाए तो ना MQM कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़े, ना सूबाई का लड़े, ना बल्दियात का, क्योंकि मसला सिर्फ सेनेट के टिकट का नहीं है। फारूक भाई सही कहते, असला ये हमारे कारकुनान, हमारे असीरों, शहीदों, लापता साथियों के घर वाले किस कर्ब का शिकार, पूरी कौम, हमारे वोटर्स हमसे सवाल कर रहे हैं।
हम पे लान तान कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि ये मसला जल्द अज जल्द हल हो। हमारे इल्म में है कि बाज लोग किस किस तरह के पैगाम ऑर्गेनाइजेशन की मुख्तलिफ सतहों पर भेज रहे हैं। सूरत एक ही बचती है कि पार्टी अपने आइन के तहत चलती है। बरकान ने राबता कमेटी के जो सरकारी मुलाजिम नहीं है, मजबूरी का हम काफिया एक है लफ्ज वो है कामरान टिसोरी साहब जो है। हम कोई दो फरीक है, कोई दो मुखालिफ सियासी जमाते हैं, कोई दो ममालिक है कि जिनके दरमियान सालिसी हो रही है। राबता कमेटी के कन्वीनर हैं, रूठे हुए हैं। हम समझते हैं कि जिस बात पर रूठे हुए हैं वो गैर मंतकी है, गैर उसूली है। कि घर यही तर्ज फुगा रहा तो है अंदलीब, यानी रोने धोने का यही तरीका रहा तो है बुलबुल। अपने लिए अंदलीब की भी तर्जुमा बता दूं, तू भी गुलशन से निकाली जाएगी। कि मैं अगर ऐसी तरह रोता धोता और बात करता रहा तो फिर मुझे भी लात मारी जाएगी। हो रहा हूं मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। हो रहा हूं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। कराची के सीनियर सहाफी तज्जियाकार, कराची की सियासत पे इंतहाई गहरी नजर रखने वाले मजहर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मजहर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। जी वालेकुम सलाम खरीदा। सर ये MQM हो रही है किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं, क्या कहेंगे सर? इसके जवाब में एक शेर ही कह सकता हूँ, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम आसिम थे कि आते जाते। मजहर अब्बास साहब आना जाना तो अभी भी लगा हुआ है, अभी भी रऊफ सिद्दीकी और रेहान हाशमी फारूक सत्तार के पास चले गए हैं। देखिए असल में सूरत हाल ये है कि दोनों को ये पता है कि अगर वो तकसीम हुए तो दोनों के हाथ में कुछ नहीं आना। ठीक, ये बात तो तय है। सेनेट के इलेक्शन की एक आध सीट अगर मुश्किल में करके कोई मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन सियासी तौर पे तो दोनों तरफ जो है वो फिर तन्हाई है और बर्बादी है। क्योंकि इससे पहले ही 22 अगस्त के बाद की जो सूरत हाल है उससे ही आप संभल नहीं पाए, पाक सरजमीन पार्टी से आप नहीं संभल पाए। अब आपके पास जो आपने अपनी एक जमात को दोबारा मुनज़्ज़म किया था वो अना के मसले मसाइल में घिर गए, वो चार टिकटों के मसले मसाइल में घिर गए ना। हर तरफ ये बात की जा रही है, हर तरफ आंसू भी निकाले जा रहे हैं, तसल्ली भी दी जा रही है, अश्योरेंस भी दी जा रही है, लेकिन दोनों तरफ जो है वो इस तरह लग रहा है कि जैसे दो जमातें जो है वो गुफ्तगू कर रही हैं, एक जमात की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी गुफ्तगू नहीं कर रही। तो मेरा ख्याल है कि जितनी जल्दी हो दोनों को ये एहसास होना चाहिए कि अगर फाइनल ये हो गया, और जाहिर है अभी थोड़े से क्योंकि विड्रॉल में थोड़ा सा दिन है इसलिए ये चीज और चल रही है, लेकिन जितना वक्त गुजर रहा है उतना ही MQM सियासी तौर पे अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है, चाहे वो डॉक्टर फारूक सत्तार हो या राबता कमेटी हो। दोनों अपने अपने तई जो है अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने वोटर अपने सपोर्टर को मजीद इस तरह मजीद गम गुस्सा उनमें पाया जा रहा है, और एक ऐसा इस तरह का लग रहा है जैसे जायदाद पे झगड़ा हो रहा है। एब्सोल्युटली बिल्कुल आपने बड़ा सही पुट अप किया है। मजहर अब्बास साहब यही चीज समझ नहीं आ रही, क्योंकि कल कंवर नवीद जमील साहब जब मीडिया टॉक करने आए थे कल रात को, उन्होंने कहा कि जी हमने फारूक सत्तार साहब की बात मान ली है और हम जाने को तैयार हैं, और वो कल गए भी, लेकिन वहां फारूक सत्तार साहब सो गए, और जब वो जागे तो राबता कमेटी वाले थक हार के जाकर सो गए। फिर सुबह फारूक सत्तार साहब फ्रेश होकर उन्होंने कहा कि मैं बहादुराबाद जाऊंगा, लेकिन वही राबता कमेटी जो रात तक कामरान टिसोरी के नाम को मानने को तैयार थी, सुबह उठ के इलेक्शन कमीशन को वो एक खत लिखती है कि जी मैलाफाइड इंटेंशन है, अगर कोई और नाम देता है हमारे अलावा उसकी मैलाफाइड इंटेंशन है, उसकी नीयत में फतूर है और वो दायरे इख्तियार से तजावुज करता है। तो क्या ये सेकंड थॉट्स आती है राबता कमेटी को भी, फारूक सत्तार साहब को भी, या कोई और उबाल आते हैं, मतलब होता क्या है ये? असल में और तकसीम हो जाए तो सभी आराम से सो जाएंगे, तो ये भी PIB वाले भी आराम से सो जाएंगे और बादराबाद वाले भी आराम से सो जाएंगे। ये जो इस पार्टी का जो हशर इस वक्त मच रहा है, यानी वो जमात जो अगर ये 2013 होता तो अब तक पूरे शहर में MQM के झंडे लग चुके होते, अगर पूरे शहर में रैलीज हो रही होती, कॉर्नर मीटिंग होती, क्योंकि MQM का स्टाइल ही ये रहा था कि वो चार पांच महीने पहले ही शहर में जो है वो एक फजा बना देते थे। लेकिन इस वक्त तो हर तरफ जो है वो MQM के जितने सर्कल्स हैं उसमें सोगवारी है, उसमें कहीं उम्मीद नजर नहीं आ रही, और जो है वो जो इनके MQM के सीनियर्स हैं वो भी उनमें से बहुत से लोग मायूस होकर घर बैठ गए हैं,
और अगर यही सूरत हाल रही तो एमकेएम का वोटर भी घर बैठ जाएगा, या तो वो किसी और सिम चला जाएगा या वो घर बैठ जाएगा। तो मेरा ख्याल है चूंकि इसी वजह से दोनों एक तरफ जा रहे हैं और दोनों ने अभी तक अपना फाइनल डिसीजन इसलिए भी नहीं किया कि ये पता है उनको कि अगर उन्होंने उनकी तकसीम हुई तो एक तो सेनेट के इलेक्शन तो वो हारेंगे लेकिन उसके साथ ही सियासी तौर पे जो नुकसान होगा उसको ना पीआईबी संभाल पाएगी और ना वजीराबाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब की सूरत हाल पे तब्जिया दे रहे थे। प्रोग्राम में लेते हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो लोधरा के जिमने इंतखाब के हवाले से बात करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और अब बात कर लोधरा एनए 154 जिमनी इंतखाब के हवाले से, मार्का कौन जीतेगा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ, नून लीग या पीपल्स पार्टी। लोधरा का जिमनी इंतखाब एनए 154 का जो कि सीट खाली हुई थी जहांगीर खान तरीन की 15 दिसंबर की नाअहली के बाद, और जिस सीट पे अब उनके साहबजादे अली तरीन पहली बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। यहां पे जिमनी इंतखाब का मार्का सिर्फ 2 दिन की दूरी पे है, 12 दिसंबर को यहां पर जिमनी इंतखाब होगा, फौज के निगरानी में होगा, यहां तक के फौज के जो इंचार्ज ऑफिसर्स हैं उन्हें मजिस्ट्रेट का इख्तियार भी दे दिया गया है। इस वक्त नून लीग की तरफ से सैयद इकबाल शाह मैदान में है, पीपल्स पार्टी की तरफ से अली बेग, और इन सबका मुकाबला करेंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बिल्कुल नौजवान रहनुमा जो कि जहांगीर खान तरीन के साहब जाते हैं अली तरीन। 15 दिसंबर को जहांगीर खान तरीन की नाअहली की वजह से सीट खाली हुई थी और इन तीन उम्मीदवारों के अलावा 7 आजाद उम्मीदवार भी इस हलके में हिस्सा ले रहे हैं। 4,31,000 वोटर्स हैं इस हलके में। अगर कहा जाए कि पीटीआई का पलड़ा भारी है तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर नून लीग सैयद इकबाल शाह के अलावा सिद्दीक बलोच के साहबजादे को टिकट दे देती तो फिर शायद तसव्वुर किया जा सकता था कि पीटीआई और नून लीग के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल लग रही है ऑन ग्राउंड वो यही है कि पीटीआई का पलड़ा भारी है और हो सकता है कवि इम्कान यही है कि शायद पीटीआई ये सीट जीत जाए। अगर एनए 154 का जिमने इंतखाब जहांगीर तरीन के साहबजादे अली तरीन जीत जाते हैं तो ये किसी भी तौर उस जीत से कम नहीं होगा जो एनए 120 में नवाज शरीफ की नाअहली के बाद नून लीग को ही हासिल हुई थी। कल्सूम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब की अहलिया हैं, वो इस सीट से जीती थी। तो अगर एनए 120 नून लीग के हक में फैसला था तो एनए 104 जिमने इंतखाब अगर पीटीआई जीत जाती है तो उसमें भी इलेक्शंस के इतने नजदीक एक नई रूह फूंक सकती है। लेकिन इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है वो हम जानेंगे। लोधरा में ही मौजूद है हमारे रिपोर्टर कमर जब्बार। अस्सलाम वालेकुम कमर जब्बार, आप मुसलसल लोधरा का इलेक्शन कवर कर रहे हैं और सबसे पहला सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी कि आज इमरान खान साहब ने जलसे से खिताब किया, काफी बड़ा जलसा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तंबीह की थी कि जब जिमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो जाए उसके बाद कोई एमएनए किसी भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस हुक्म को, इस तंबीह को बिल्कुल रद्द कर दिया इमरान खान ने। जी बिल्कुल, इमरान खान को नोटिस तो जारी हुआ था और इस नोटिस की जो हीट थी वो जलसागाह में भी सुनाई दी थी कि मेन लीडरशिप बड़ी परेशान थी कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस जारी हो गया है, अब पता नहीं वो यहाँ जलसागाह आते हैं या नहीं आते, काफ़ी परेशानी का बाइस जो मुंतजमीन थे उनके लिए ये बात थी। लेकिन इमरान खान का हेलीकॉप्टर बाकायदा जलसागाह के ऊपर चक्कर लगाता रहा और टेलीफोन मैसेजेस ये हुए कि जो भी कुछ है इमरान खान यहाँ आएंगे और जलसे से खिताब करेंगे, बाकी बातें बाद देखी जाएंगी, क्योंकि इसी तरह माजी में भी होता रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स के लिए भी जो एमएनए एमपीएस हैं वो तहरीक चलाते रहे हैं। हमजा शहबाज शरीफ को भी इस सिलसिले में नोटिस हो चुका है, इमरान खान को भी पहले भी नोटिस हुए हैं, लेकिन बाद में ये मामला इलेक्शन कमीशन में जाके सेटल हो जाते हैं। बहरहाल इमरान खान को नोटिस मिलने के बावजूद वो आए, जलसा किया और अपना जो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो भी उन्होंने आवाम को आगाह किया कि किस तरीके से उन्हें नाअहल किया गया और क्यों पीटीआई मैदान में आकर ये इलेक्शन लड़ रही है। बिल्कुल, तो कमर जवान ये बताएं कि इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, 2 दिन का वक्त रह गया है, अब ये एक बड़ा कांटे का मुकाबला, या शायद इसको कांटे का मुकाबला नहीं कहा जा सकता
क्योंकि जो नून लीग के सैयद इकबाल शाह हैं वो तो बिल्कुल अननोन से हैं, जरा उनके बारे में बताइएगा कि उनकी पोजीशन कैसी है और अली तरीन की पोजीशन कैसी है लोधरा में। जी, अगर लोधरा की सियासत को देखा जाए तो पिछले 10 साल में लोधरा की सियासत में बहुत तब्दीलियां आई हैं, यहां तक कि एक बात समझ में नहीं आती कि 2013 से लेकर अब तक वोटर लिस्ट में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं कि 2013 में अगर 370,000 था तो अब 431,000 के करीब वोट हो गया है और ये 280,000 से ये वोट बढ़े हैं। तो इस कदर वोट कैसे ये बढ़ते चले जा रहे हैं कि 3 साल में इस कदर वोट बढ़ा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हर उम्मीदवार ने 2008 से लेकर और 2018 आ गई है तो हर पार्टी ने कैंडिडेट अपने बदले हैं। सदीक बलोच साहब ने 3 कैटेगरीज में इलेक्शन लड़ा, काफ लीग की तरफ से भी लड़े, नून लीग की तरफ से भी लड़े, आज़ाद भी लड़े, जीत भी गए, लेकिन इस बार उन्हें इग्नोर किया गया। रफीउद्दीन साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से 2013 में लड़े लेकिन उन्हें बाद में इग्नोर किया गया और अब मुस्लिम लीग नून अपना इकबाल शाह एक ऐसा कैंडिडेट लाई है जिसके मुतल्लिक कहा यह जा रहा है कि वो एक तो बुजुर्ग आदमी हैं और दूसरे शायद उन्हें कुछ वादे तौर पर सुनाई भी नहीं देता, इसलिए वो जलसों से भी बहुत कम खिताब करते हैं ताकि उनकी कुछ तबीयत पर कोई बोझ ना पड़े। तो अली तरीन काफ़ी एक्टिव हैं, नौजवान हैं और पहली बार मैदान में उतरे हैं और अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए आज उन्होंने तकरीर भी काफ़ी अच्छी यहाँ की जो कि काफ़ी मुतासिर किया उन्होंने। तो कमर जवाहर, अगर ये कहा जाए कि लोधरा का ज़िमनी इंतखाब एक तरफा मार्का होगा पीटीआई के हक में, तो क्या ये गलत तो नहीं होगा? ऐसा कहा नहीं जा सकता क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में हमेशा जो चीज़ काउंट करती है वो टर्नआउट काउंट करता है। 2015 में जब ये ज़िमनी इंतखाब हुआ तो कहा यही जा रहा था कि शायद टर्नआउट बहुत स्लो होगा, लेकिन 59.8 टर्नआउट रहा और तकरीबन 2 लाख के करीब वोट कास्ट हुए जिसमें जहांगीर तरीन की ज़ाहिर कामयाबी उन्हें मिली। लेकिन इस बार टर्नआउट के हवाले से अगर देखा जाए तो शायद स्लो होगा, लेकिन इस बाबत कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि पीटीआई के जो वर्कर हैं उनकी ये एक बहुत पुरानी शुरू से ही आदत है कि वो कंपेन बहुत अच्छी चलाते हैं, जलसे जुलूस बहुत बड़े करते हैं, जब वोट डालने की बारी आती है तो वो सोए रहते हैं। इमरान खान ने आज अपनी तकरीर में यही कहा है कि उन्हें बाहर निकलना है, वोट डालने हैं। अब देखते हैं कि अगर जो नून लीग के वोटर हैं वो बाहर। अच्छा कमर, मुझे ये बताइए, कमर मुझे ये बताइए, ताइए कुछ हमारे पास खबरें ऐसी आ रही हैं और कुछ नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, दीगर आज़ाद उम्मीदवार भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले पैसे फेंक रहे हैं, जहांगीर खान तरीन साहब पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अली तरीन भी पैसों का, फंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वोटर्स को रिझा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। और अली तरीन ने आज अपने खिताब में ये बात की भी कि पूरे लोधरा में ये गवाह हैं सब लोग कि जहांगीर खान तरीन अपने जाती फंड से लोगों के काम करवाते हैं, तो कितनी सदाकत है इन इल्जामात में? जी, इसमें दो बातें हैं कि एक तो जिस वक्त 2015 का इलेक्शन हुआ नवाज शरीफ यहाँ आए और 2.5 अरब रुपए के यहाँ पैकेजेस अनाउंस करके गए, तो इस तरीके से सरकारी फंड 2015 में भी इस्तेमाल हुआ। अब जहाँ दूसरी तरफ आ जाए जहांगीर तरीके की तरफ, तो उन्होंने लोधरा वेलफेयर ट्रस्ट यहाँ एक कायम कर रखा हुआ है और ये बहुत पुराना है, जब से वो यहाँ लोधरा की सियासत में आए हैं लोधरा वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से वो मुख्तलिफ इलाकों में काम भी करते हैं। ये ट्रस्ट जाकर देखता है कि किस इलाके में पानी के पाइपलाइन डलने हैं या सुई गैस की कमी है या स्कूल की मुरम्मत होनी है, तो ये वो काम ट्रस्ट करता है। इस वजह से जहांगीर तरीन की यहाँ पोजिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि जो ट्रस्ट में जितना भी पैसा आता है चाहे वो अपना टैक्स बचा कर उस ट्रस्ट को पैसा देते हैं और लेकिन वो लोधरा की सियासत पर ये खर्च कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर जब्बार, आपसे मजीद अपडेट्स भेंगे। लोधरा की सियासत इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ का पड़ा वहां पे भारी है। नून लीग अगर सिद्दीक बलोच के बेटे उमर बलोच को टिकट दे देती तो शायद कांटे का मुकाबला हो सकता था, लेकिन सैयद इकबाल शाह सिद्दीक बलोच के मुकाबले में नून लीग के एक जरा माठे उम्मीदवार हैं। लेकिन एक चीज बहुत हैरत अंगेज हुई और शायद अफसोसनाक भी कि इलेक्शन कमीशन की तंबीह के बावजूद इमरान खान ने जलसे से खिताब किया, हालांकि इमरान खान से पाकिस्तान तरीके इंसाफ से तवक्कुआत इस सिलसिले में ज्यादा हैं क्योंकि तब्दीली की पार्टी है, तब्दीली का नारा लगाती है और उनका स्लोगन यह है कि जो दीगर पार्टियां गैर कानूनी काम करती हैं वो पीटीआई नहीं करती। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तंबीह की धज्जियां, उनके हुक्म की धज्जियां, कानूनी हुक्म की धज्जियां किस तरह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने उड़ाई लोधरा में, वो भी आज देखने में आया। प्रोग्राम में लेते हैं जी एक छोटी सी ब्रेक, आगे बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ख्वातीन की खुद मुख्तारी के हवाले से बात करेंगे और मकबूजा कश्मीर में अफजल गुरु की 5वीं बरसी के हवाले से।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे पंजाब में खवातीन की खुद मुख्तारी और खवातीन को एम्पावर करने के एक बेहतरीन प्रोजेक्ट के हवाले से। हुकूमत पंजाब ने एक अच्छे प्रोजेक्ट का आगाज किया है जिसका मकसद ये है कि खवातीन को घरों से दफातर जाने के लिए, घरों से शॉपिंग के लिए जाने के लिए या घरों से ग्रोसरी के लिए जाने के लिए या अगर वो घर से बाहर किसी भी काम के लिए निकलती हैं, चाहे वो अपनी दोस्तों से मुलाकात करने जा रही हो, चाहे अपनी फैमिली के दीगर लोगों से मुलाकात करने जा रही हो, गर्ज ये कि खवातीन को अगर घर से बाहर निकलना है किसी भी काम के लिए तो वो किसी दूसरे की मोहताज ना हो बल्कि अपनी सवारी के जरिए अपनी खुद मुख्तारी की खुद मालिक हो। और इस हवाले से वाओ के नाम से वुमेन ऑन व्हील्स, ये नया प्रोजेक्ट नहीं है, पिछले 2 साल से ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। इस पर हुकूमत पंजाब ने इसका दायरा कार बढ़ाते हुए पहले ये लाहौर, सरगोधा और फैसलाबाद तक महदूद था, अब इसे पूरे पंजाब तक फैला दिया गया है जिसके तहत खवातीन को ना सिर्फ कम रियायती निरखों पर मोटरसाइकिल्स मिलेंगी बल्कि उन्हें मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत भी दी जाएगी। इसी हवाले से बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर हैं और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के मुशीर सलमान सूफी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान सूफी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पर। सबसे पहले यह बताएं कि किस तरह से यह खुद मुख्तारी है, यह प्रोजेक्ट खवातीन के लिए, और इसका आइडिया अब आप लोगों ने पूरे पंजाब तक फैलाने का सोचा है तो इसका फायदा क्या होगा इन द लॉन्ग रन? बहुत शुक्रिया गरीदा आपका इस क्वेश्चन का और फॉर टेकिंग मी ऑन एयर। बेसिकली इस प्रोग्राम का मकसद है वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू मोबिलिटी। मोबिलिटी जो है ना वो एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस फैक्टर है औरतों की एम्पावरमेंट में। और हमने देखा कि 49% पॉपुलेशन है हमारी, लेकिन उनमें से मेजॉरिटी जो है वो मोहताज हैं अपने भाइयों की, अपने वालिदैन की, अपने खामंदों की, कि जो उनको किसी भी जगह पे ले जा सकें। उन्होंने एक छोटा सा काम भी करना हो तो उनको वेट करना पड़ता है या ड्राइवर्स रखने पड़ते हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो फिर इंतज़ार करते रहते हैं सारा दिन कि कोई आए उनको लेके जाए। तो मोटरसाइकिल एक ऐसा चीप वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कि जो कि अवेलेबल है पाकिस्तान में, और हमें इतना बड़ा हमारे पोटेंशियल जो 49% पॉपुलेशन का, हम उनको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, हम उनको एक कैपेसिटी नहीं उनकी बिल्ड कर रहे कि वो अपने काम खुद कर सकें और पंजाब की और पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डाल सकें। तो चीफ मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन पे हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया वुमेन ऑन व्हील्स, जिसका लोगो जिस आपने बताया अपनी सवारी खुद मुख्तारी है। हम इसमें उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के बाद अब उनको सब्सिडाइज मोटर बाइक्स दे रहे हैं ताकि जब वो इनको मोटर बाइक्स मिलेंगी तो वो कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, अब बच्चियाँ कॉलेज जाना चाहती हैं वो कॉलेज जा सकती हैं। ये बताएं मुझे कि एक एक्स्ट्रा जहाँ खातून के लिए गाड़ी चलाना बहुत अनोखा तस्वर किया जाता है, बहुत बड़ी उसकी हिम्मत की बात समझी जाती है, तो वहां पर खवातीन को जब आप मोटरसाइकिल चलाने की खुद मुख्तारी दे रहे हैं तो सबसे पहले इसके लिए सोशल एक्सेप्टेंस कैसे डेवलप करेंगे? देखिए गरीदा, हम समझते हैं कि जो हमारा चीफ मिनिस्टर का भी जो एक मोटो है और हम उसको फॉलो करते हैं कि कई चीज़ें होती हैं कि जिसके लिए अब वेट आप नहीं कर सकते, कि हम नहीं इंतज़ार कर सकते कि जिसके लिए कि हम सोसाइटी को अपनी पेस पे चलने दें और वो 50 साल या 60 साल के अरसे में एक छोटे से माइलस्टोन को कवर करें। पाकिस्तान में जिस तरह अब इस वक्त एक इकोनॉमिक चेंज आ रही है, सोशल चेंज आ रही है, तो उसमें हमारी खवातीन में इतनी अवेयरनेस मौजूद है कि वो इस तरह के प्रोग्राम्स को एक्सेप्ट कर सकें। सिर्फ छोटा सा एक प्रॉब्लम है कि उनको एक प्लेटफॉर्म कभी भी गवर्नमेंट की सतह पे प्रोवाइड नहीं किया गया, हमेशा एनजीओस ने इस तरह को उठाया या फॉरेन गवर्नमेंट्स ने इस तरह के प्रोजेक्ट्स को उठाया। तो इसीलिए हमने ये एक मैस स्केल पर शुरू किया है कि हम ट्रस्ट करते हैं और हम समझते हैं कि पंजाब की जो खवातीन हैं वो इतनी वो इस एबल हैं कि जब उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी तो वो इस तरह के प्रोग्राम को ना सिर्फ एम्ब्रेस करेंगी बल्कि पहली बार है कि हुकूमत ने और हुकूमत पंजाब ने इस तरह का प्रोजेक्ट खुद ओन करके स्टार्ट किया। तो इस प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स बता दीजिएगा ताकि जो खवातीन इससे फायदा उठाना चाहती हैं वो जान सकें इसके बारे में। जी बिल्कुल, इस प्रोग्राम का नाम वुमेन ऑन व्हील्स है। ये हमने सब्सिडाइज मोटर बाइक्स हैं, इसमें जो कस्टमाइज्ड पिंक कलर की मोटर बाइक है CD70 जो कि हमने खसूसी तौर पर तैयार करवाई है औरतों को मद्देनजर रखते हुए। ये सब्सिडाइज प्राइस पर मिलेंगी, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो 25,000 रुपये की सब्सिडी अपफ्रंट देगी और 100% मार्कअप जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बेयर करेगी। इसमें सिर्फ जो है वो डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी एप्लीकेंट को और 1800 रुपया की 12 ईजी जो
इंस्टॉलमेंट्स हैं वो एक साल में इसको दे सकेंगी. तो बेसिकली उनको जो 72,000 रुपए की बाइक है वो 48,000 to 49,000 रुपीज में पड़ेगी. और ये उनके हिसाब से क्योंकि कस्टमाइज है तो इट्स ईजी फॉर देम टू ड्राइव. और बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में जाके वो लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, रावलपिंडी में और मुल्तान में जाके वो फॉर्म ले सकते हैं. वो इजीली बैंक ऑफ पंजाब के वेबसाइट पे भी फॉर्म्स अवेलेबल हैं फॉर डाउनलोडिंग. सो दे कैन डाउनलोड द फॉर्म एंड दे कैन सबमिट द एप्लीकेशन. और इसकी डेडलाइन जो है वो हम मार्च मिड तक इसको एक्सटेंड कर रहे हैं. तो ये मार्च मिड तक इंशाल्लाह ताला ये अप्लाई कर सकते हैं इसमें खवातीन. ठीक है खान साहब, पंजाब में तो ठीक है आप ये वुमेन ऑन व्हील्स का प्रोजेक्ट ला रहे हैं. लियारी में कुछ दिन पहले खवातीन ने साइकिल चला के एक टैबू, आप समझ सकते हैं कि लियारी कराची का हिस्सा है, कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन वहां पर खवातीन का साइकिल चलाना वो भी मायूब समझा जाता है. तो दीगर सूबों के लिए इस प्रोजेक्ट के जरिए आपका पैगाम क्या होगा? बिल्कुल, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा गरीदा कि अपनी खवातीन पे एतमाद रखें. उनको उनको सिर्फ एक घर का एक शो पीस ना समझें, या उनको सिर्फ ये ना समझें कि वो सिर्फ शादी करने के लिए हैं या उनके वो सिर्फ एक माँ बन सकती हैं. आप उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें. हमने जब ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली सरगोधा, मुल्तान और लाहौर में रैलीज की हैं जिसमें मोर देन 100 और फैसलाबाद में मोर देन 100 प्लस लड़कियों ने रैलीज में हिस्सा लिया. और इस ग्लास सीलिंग उन्होंने ब्रेक किया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी ये काम हो सकता है. और मैं बाकी सूबों को ये बल्कि एनकरेज करूंगा कि हमसे इस प्रोग्राम वुमेन ऑन व्हील का ब्लूप्रिंट लें. हम हर किस्म की टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए तैयार हैं और हम इनको बिल्कुल एनकरेज करेंगे और हम उनको हर किस्म की स्कीमेटिक्स प्रोवाइड करेंगे ताकि ये पूरे पंजाब में, अगर आप समझें कि पूरे पाकिस्तान में हमारी खवातीन जो हैं उनको ये मोबिलिटी की पावर मिल जाए तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो उसका ग्राफ जो है वो इतनी तेजी से ऊपर जाएगा कि जो हम खुद भी उसको एंटिसिपेट. एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया. सलमान सूफी साहब वुमेन ऑन व्हील्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोग्राम में हमसे बात करने के लिए. और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, अफसल गुरु की आज 5वीं बरसी है, इस हवाले से बात करेंगे. आजादी कश्मीर की तस्वीर, शहीद रहनुमा अफसल गुरु, उनकी आज 5वीं बरसी है. 9 फरवरी 2013 को जालिम भारत ने उन्हें दहशतगर्दी के एक झूठे मुकदमे में फंसाकर और उन्हें किसी किस्म की कानूनी मदद फराहम ना करने के बाद उन्हें फांसी चढ़ा दिया था. यहां तक कि उनके लवाहिकीन को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी थी. 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ जेल में उन्हें फांसी दी गई थी और उसके बाद वहीं उन्हें दफन कर दिया गया था. यह भी जुल्म भारत ने रियासती जबर किया कि उनकी लाश तक उनके लवाहिकीन को नहीं दी गई. और आज उनकी 5वीं बरसी के मौके पर पूरा मकबूजा कश्मीर हड़ताल पर था, जगह जगह मुजाहरे किए गए, अफसल गुरु के लिए दुआएं की गई. ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर में बल्कि आजाद कश्मीर, पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी और कश्मीरी बसते हैं सबने आज अफसल गुरु की 5वीं बरसी को मनाया, उनके लिए दुआएं की और आजादी कश्मीर के लिए भी दुआ की. अब हुर्रियत रहनुमाओं का यह भी मुतालबा है, फरवरी को अक्वामे मुत्तहिदा के दफ्तर में रेफरेंडम भी वो एक पेश करेंगे कि भारत पर दबाव डाला जाए कि अफसल गुरु की बाकियात उनके हवाले की जाए ताकि उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ दफना दिया जाए. एक तरफ यह सिचुएशन है, दूसरी तरफ अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान के पास भारत का जासूस कुलभूषण यादव, जिसे उसकी फैमिली से हर तरह की मिलने की सहूलत दी गई. एक तरफ पाकिस्तान का यह इंसानी रवैया, दूसरी तरफ भारत का गैर इंसानी रवैया. इसी हवाले से बात करेंगे मशाल मलिक, इंसानी हकूक की रहनुमा, आजादी मकबूजा कश्मीर की एक बहुत मजबूत आवाज और हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया हैं, हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम मशाल मलिक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे. आज 5वीं बरसी है अफसल गुरु की, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? उनकी तो बाकियात भी भारत ने हवाले नहीं की लवाहिकीन की तरफ, जबकि हमारे यहां जो कुलभूषण यादव भारतीय जासूस है उसको कितने इज्जत एहतराम के साथ फैमिली से मिलने की इजाजत दी गई. जी वालेकुम सलाम, थैंक यू गरीदा फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो. देखिए 5 साल तो हो गए हैं उनकी शहादत को, जो उनको हैंड कर दिया गया था अफसल गुरु को. और ये भी बहुत ही अलार्मिंग बात है कि जो डिसीजन आई थी, जो हिंदुस्तान की भी जिसको सुप्रीम कोर्ट की हिस्टोरिकल डिसीजन है, जो कि वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर्स में जो रहेगी कि इंसान और जो मतलब जो इंसानियत के साथ जो कानून ने किया है कि कोई प्रूफ नहीं मिला कि जैसे कि जस्टिस ही दफन हो गया है, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं था अफसल गुरु के खिलाफ. और डिसीजन आई कि टू सेटिस्फाई द इंडियन स्टेट
the conscience of this Indian state, Afzal Guru must be hanged. Meaning कि इतना ज्यादा lust है हिंदुस्तान को कश्मीरी खून का कि उनको satisfy करने के लिए उनकी conscience को हिंदुस्तान की कि किसी एक मासूम कश्मीरी को मार दिया जाए, उसको hang कर दिया जाए. और उसका छोटा सा बेटा होता था जब बहुत अरसे से वो अरेस्टेड रहा और बहुत टॉर्चर से वो गुजरा अफजल गुरु, तो उसकी जिस तरह वाइफ और छोटा सा बच्चा होता था, वो गली गली घूमती थी जस्टिस के लिए, सुप्रीम कोर्ट में इंडियन प्रेसिडेंट को अपील की, मर्सी की अपील्स की, कितनी पिटिशंस की, बट कहीं से भी किसी ने नहीं सुना. हंगर स्ट्राइक्स पे भी वो बैठती थी यासीन मलिक साहब के साथ, बहुत पहले की मैं बात कर रही हूँ. बहुत उस औरत ने स्ट्रगल की, उस अजीम बेवा को देख लें जिसका बेटा जो है.